24 दिसंबर 1971 को 17 साल की जूलियन कॉपके ने लीमा पेरू से लांसा एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 508 ली। कुछ देर उड़ने के बाद प्लेन पे अचानक बिजली आके गिरी और प्लेन दो हिस्सों में टूट गया। सीट उखड़ गई और लोग 3000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगे। जूलियन बेहोश हो गई और दो दिन बाद जब उनकी आंख खुली तो वो अपनी सीट पे बेल्ट से बंधी हुई थी। 90 पैसेंजर्स में से केवल जूलियन जिंदा बची थी। सीट बेल्ट पहनने और किस्मत से पेड़ों में फंसते हुए गिरने से इम्पैक्ट कम हो गया था, पर अब वो जानवरों और जहरीले पेड़ों के बीच में अकेली थी। जूलियन के माँ बाप अमेजोन रेन फॉरेस्ट में रिसर्चर्स थे और इसलिए जूलियन को जंगल के सर्वाइवल टैक्टिक्स पता थे। उन्होंने रेंगते हुए नदी का रास्ता खोजा और सही फलों का चुनाव किया। फाइनली 11 दिन बाद सर्च टीम ने उनको ढूंढ लिया। वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई।